हमारे पास अब अब्दुल राफे, अब्दुल राफे जरा माइक में पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और फिर उसके बाद शुरू करें अपना टॉपिक क्या है आपका प्रेजेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल राफे है और मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे आईटी यानी कि टेक्नोलॉजी वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, इसका अंदर घुसने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ और इसको सीखने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो आज जो संडे हमको उस दिन प्रेजेंटेशन का बोला था कि जिस तरह हम नंबर्स को बाइनरी में लिखते हैं कि वन का अलग कोड होता है, टू का अलग कोड, उसी तरह अगर हम पॉइंट को अगर बोलेंगे 1.1 है तो उसको हम किस तरह उसके अंदर लिखेंगे बाइनरी के अंदर। तो सबसे पहले तो यही है कि हाउ एंड व्हाट वी राइट आफ्टर पॉइंट नंबर्स डेसिमल टू बाइनरी। सपोज वी हैव एन क्वेश्चन दैट कन्वर्ट, हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.625। ठीक है, ये जीरो के बाद हमारे पास तीन नंबर हैं 0.625 इन बाइनरी। ठीक है, तो सर नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये हमारा बेस 10 फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 फॉर्म में। तो इसका एक इजी सा फॉर्मूला है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा 0.625 है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा, जैसे कि मेरे पास अभी आंसर आया है कि 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 1.25 आंसर आया, मैंने इक्वल्स का साइन लगाया और इसके बाद 1.25 हमारा जो आंसर था उसमें से सिर्फ पहला नंबर जो शुरू का डिजिट है, जो पॉइंट से पहले का डिजिट है, उसको हमें अलग कर लेना है। ठीक है, उसको मैंने वहाँ पर लिख दिया 0 पॉइंट के बाद 1 और इसके बाद इक्वल्स टू, हमारे पास क्या बचा कि हमने 1 तो उसको साइड पे कर दिया, तो अब हमारे पास बचा है 0.25। ठीक है, अब उसी तरह से दोबारा जो हमारा बची हुई वैल्यू है 0.25, तो उसको भी हमें वही मल्टीप्लाई बाई 2 करना है और जो आंसर आया था, यानी कि मेरे पास आंसर आया अभी यहाँ पे 0.5 को हमें वही 0 को हमें अलग कर लेना है और जो आंसर हमारे पास जो आखिरी में बचा है वो हमारे पास बचा है 0.5। तो वही सपोज हमें करना है कि यहाँ पे 0 है, पॉइंट से पहले फिर 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0.5 है, 0.5 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.0। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे आखिरी का जो डिजिट है वो 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ अब 1 ही है। ठीक है, इसके बाद आगे कोई है नहीं, कोई डिजिट नहीं, मतलब कुछ कुछ नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे स्टॉप कर लेना है। अब जैसे ही यहाँ पे 1 आया, मैंने उस 1 को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पे 0.101। ठीक है, सो यहाँ पे ये तो हो गया कि मतलब 0 आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि 0 नहीं भी आता है, यानी कि अगर आप 1 आप 0.1 का अगर आंसर निकालना चाहेंगे तो वो इन्फिनेट आंसर है। ठीक है, उसको आप निकालना चाहेंगे ऐसा नेक्स्ट स्लाइड मिला, यानी कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनका आंसर इन्फिनेट होता है, यानी कि उसका कोई आंसर होता नहीं, वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, वो एक साइकिल बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि इफ द 0 विल कम आफ्टर द पॉइंट यू नीड टू स्टॉप एट दिस पॉइंट, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई 0 by 2 द आंसर इज ऑलवेज 0, सो स्टॉप ऑन दिस पॉइंट। और यहाँ पे मैंने छोटा सा नोट भी लिखा हुआ है कि सम काइंड आंसर है वाज इनफिनिट, लाइक 0.1 आंसर इज इनफिनिट, यू कैन आल्सो सॉल्व दिस विद दिस मेथड। बस ठीक है,